हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ पी बाय क्यू। इस क्वेश्चन को आपने नाइन्थ में भी सॉल्व किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जहां पर आपको एक रिपीटिंग डेसिमल दिया जाएगा, उसको आपको पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 43.123। अब यहाँ पर कोई बार नहीं है और ऐसा डेसिमल के बाद दिख भी नहीं रहा कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, विदाउट एनी फर्दर प्रोसेस इसको आसानी से पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, पॉइंट के बाद की आपको प्लेस वैल्यूज मालूम रहनी चाहिए। पॉइंट के बाद 43.123, पहला नंबर जो पॉइंट के बाद होता है उसे हम कहते हैं टेंथ प्लेस वैल्यू, उसके सेकेंड वाला होता है हंड्रेड प्लेस वैल्यू और उसके बाद वाला होता है थाउजेंथ प्लेस वैल्यू। अब ये जो लास्ट प्लेस वैल्यू होती है उससे हमें डिवाइड करना होता है अगर ये हम डेसिमल निकाल दें तो क्या बनेगा, ये 43123 डिवाइडेड बाई लास्ट डेसिमल है थाउजेंथ, तो हम इसको डिवाइड करेंगे थाउजेंड से, बन गया ये पी वाई क्यू फॉर्म में। तो अगर रिपीट नहीं होगा डेसिमल तो हमें यहां पर इस तरह से करना है। एक और बात हमें कही गई थी, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो यहां पर क्यू है थाउजेंड, तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं थाउजेंड के, प्राइम फैक्टर्स ऑफ थाउजेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 2 5s are 10 जीरो जीरो आ जाएगा, 5 1s are 5 जीरो जीरो, 5 2s are 10 जीरो, 5 4s are 20 2 2s are 4 और लास्ट में आ जाएगा 2 1s are 2। तो यहाँ पर हमें पूरे फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 2 2 और 5 5 5 के फॉर्म में, तो ये जैसा कि हम जानते हैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आइए अब आगे करते हैं, हमें यहाँ पर दिया गया है 0.120 1201। यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो 120 120 रिपीट होते जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इस वाले टर्म को जो रिपीट हो रहा है उसको कैसा करेंगे, 0.120 मैं यहाँ पर इसके ऊपर बार लिख लूंगा। अब जब कभी आपको नंबर बार से मिलेगा तो आपको किस तरह से प्रॉब्लम को करना है, आइए देखिए, लेट x इज इक्वल टू 0.120 120 एंड सो ऑन, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। आपको जो ये नंबर दिया गया था आप उसको मान लेंगे x, ऐसा जब आपको बार वाला नंबर मिलेगा तो यही प्रोसेस आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा पीरियोडिसिटी, क्या फाइंड करना होगा आपको, पीरियोडिसिटी मतलब जितने नंबर्स के ऊपर बार है वो होगा आपका पीरियोडिसिटी, 1 2 3 पीरियोडिसिटी यहां पर है 3। नेक्स्ट स्टेप विल बी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 1000, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इक्वेशन 1 को 1000 से, पीरियोडिसिटी 3 है तो 1000 मतलब 30 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 को, सो 1000 इनटू x इज 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.120 120 एंड सो ऑन। अब ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेस जंप होगा, 3 प्लेसेस, 1 2 3 थ्री जीरोस, तो इस तरीके से ये डेसिमल पॉइंट जंप हो गया 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा, सो 1000x इज इक्वल टू अब आएगा 120.120.120 जो रिपीट होगा, अब ये होगा आपका इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करिए, 1000x इज इक्वल टू 120.120.120 एंड सो ऑन, ये है फर्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल टू डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, फिर आएगा इससे पहले 0 और इसके बाद था 120.120 एंड सो ऑन। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, ये पूरे टर्म 0 बन जाएंगे, 1000x माइनस 1x इज 999x इज इक्वल टू 120 माइनस 0, इट इज 120, टेक दिस 999 टू द अदर साइड, 120 डिवाइडेड बाय 999, तो ये आ गया पी बाई क्यू फॉर्म में। अब इसके हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं, तो यहां पर निकालेंगे हम 999 के फैक्टर्स, 3 3 3 3 फिर से 3 लेंगे, 1 1 1 फिर करेंगे 3 से, 3 3 9 यहां पर बच गया 2, 3 7s are 21 अब लास्ट में ले लेंगे 37 1s are, तो ये क्या है, यहां पर देखिए 3 3 3 37 आ रहा है, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इनटू 5 पावर m, सो दिस इज
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आइए थर्ड बिट को करते हैं। थर्ड बिट में भी सेम आपको प्रोसेस यूज करना होगा जो हमने यहां पर किया है। लेट x इज इक्वल टू 43.121212 एंड सो ऑन, लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट पीरियोडिसिटी कितनी होगी, गौर से देखिए, टू नंबर्स के ऊपर बार है तो पीरियोडिसिटी होगी टू। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन विथ टू है, यहां पर थ्री था तो हमने थाउजेंड से किया, टू रहेगा तो हंड्रेड से करेंगे। सो हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू, मतलब यहां पर अब टू प्लेसेस जंप हो जाएंगे, सो ये होगा 43.121212 एंड सो ऑन, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर टू। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड टू। अब आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू 43.121212 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वेशन वन। एक्स इज इक्वल टू डेसिमल के नीचे डेसिमल, याद रखिए 43 पहले था, 43 लिख दीजिए, बाद में है 1212 एंड सो ऑन। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100x - 1x इज 99x इज इक्वल टू, नाउ दिस विल बी हाउ मच, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से हम बोरोइंग लेंगे, ये 11 को भी बोरो कर लेंगे, ये हो गया 12, 12-3 इज 9, 10-4 इज 6, दिस इज 2, दिस इज 4। अब x इज इक्वल टू 4269 डिवाइडेड बाई 99। अब डिनोमिनेटर के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 99, चलिए निकालेंगे, 99 ले लेंगे 3 से, 3 3 जा 3 3 जा, नेक्स्ट 3 1 जा 3 1 जा, ये होगा 11 1 जा 11। तो यहाँ पर भी देखिए, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n into 5 पावर m, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब फोर्थ वाला मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूं, उसको आपको कर मुझे आंसर बताना है p by q फॉर्म में क्या आता है। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3, आई होप आपको हेल्प मिली होगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए सो दैट आप आपके नोट्स में कॉपी कर सको।